सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। आज की कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में ही हैं। दिल्ली दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। स्विट्जरलैंड की संस्था IQ Air की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में गाजियाबाद को भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है। महाराष्ट्र कोरोना महामारी के दूसरे फेज की शुरुआत में है। एक केंद्रीय टीम ने आज की रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन से लेकर क्वारंटीन कॉन्टैक्ट की ओर तेजी से काम नहीं हो रहा। शहर और गांव दोनों में लोग कोविड नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं।